ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਪੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਸ ਬਾਰ ਆਪ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਨੇ ਹੈ क्या मुद्दा लेके लोगों के बीच में जा रहा है? मुद्दा सारी दिल्ली को पता है, आपको भी पता है, दिल्ली का पूर्ण राज्य का मुद्दा लेके चले गए। बट हम ये दिल्ली की जनता को कहना, तो वैसे दिल्ली की जनता को, कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, आम आदमी है। उन्होंने धोखा दे दिया मैनिफेस्टो में डाल के कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य दिलाएंगे। बट पूर्ण राज्य के लिए 7 एमपी कांग्रेस के भी 7 एमपी रहे और बीजेपी के 7 एमपी रहे। किसी ने भी दिल्ली के हित में, दिल्ली के लोगों के हित में, दिल्ली के यूथ के लिए, बहनों के लिए एक क्वेश्चन पार्लियामेंट ने नहीं पूछा गया। किसी का कोई काम नहीं किया गया। हमने दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया है, वैसे दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर हमारे 7 एमपी चुन के और हम पार्लियामेंट में गए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य लेके रहेंगे। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से बात करें, वेस्ट दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा सिख फैमिली पंजाबी फैमिलियां रहती हैं, और अगर पहले अगर बात करें तो पिछले साल आम आदमी पार्टी से जरनैल सिंह को भी टिकट दिया गया था, जरनैल सिंह जर्नलिस्ट को टिकट दिया गया था। इस बार आप कैंडिडेट के तौर पर आ रहे हैं, बहुत बड़ा लोगों ने उनका साथ दिया था, पर इस समय जो इलाके में समस्याएं आए और सबसे ज्यादा मायापुरी सीलिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर क्या काम किया जाए? बड़ी दुख की बात है कि जो सीलिंग के अंदर मारपीट हुई, पीटा गया हमारे यहाँ के लोगों को, मायापुर के लोगों को पीटा गया। एमपी महोदय जो सांसद हैं उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया सीलिंग को लेके। देखिए जो भी ऑर्डर हुआ, हाँ उन्होंने हाईकोर्ट जाना चाहिए था, उस ऑर्डर की कंप्लाइंस करनी चाहिए थी। कंप्लाइंस करने के बाद अगर एमसी ने सील कर दिया, देखिए सांसद कौन है यहाँ पे, बीजेपी का काउंसिलर कौन है बीजेपी से, क्या किसी ने एफर्ट किया सीलिंग को रुकवाने के लिए? जो भी ऑर्डर हो गया उसके लिए कानूनी प्रक्रिया करनी बहुत जरूरी है। आके मीडिया के सामने आके न्यूज़पेपर में झूठे भाषण देने से काम नहीं चलता। ये गरीब लोग हैं, ये दुकानों के थ्रू अपना रोज रोजी रोटी कमाते हैं, काम करते हैं। डीडी की जमीन है ये, तो ये हो गया ना, कोई भी चीज़ इधर तो छीन लो, मतलब इन्होंने अपनी डीडी से जमीनें खरीदी है, दुकानें अलॉट हुई हैं, अलॉट होने बाद इनको एक काम करने की परमिशन दी गई है, आज इनको परमिशन से क्यों हटाया जा रहा है? किसी को पाते हैं तो क्या करें? मैं मायापुरी की जनता के लिए नहीं, जितनी सीलिंग से रिलेटेड है उसके ऊपर कानूनी लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाना बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट के लोगों के कान खोलने बहुत जरूरी है, क्योंकि कोठी और महलों में रहने से गरीबों को पेट नहीं भरते, उनके पेट तो यहाँ दुकानों पे कान करने से भरते। जिनकी सीलिंग हो गया आप उनका दिल पे सोच के देखिए, जो आदमी जिनके माताएं बहनें गुरुद्वारे में मंदिर में जाके मत्था टेक रही, दुआएं मांग रही, क्यों? अपनी चीज़ को बचाने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए। क्या आज तक इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा कार्य किया किसी के लिए भी? नुकसान के सिवा सीलिंग को लेकर देख लिए, पूरी दिल्ली में उन्होंने सीलिंग करा दी। आज से पहले सीलिंग नहीं, हिंदुस्तान और दिल्ली आज से पहले बसी हुई, 45 साल से लोग यहाँ मायापुरी में रह रहे हैं, आज से पहले सीलिंग क्यों नहीं? आज ही सीलिंग किस लिए हुई है? इलेक्शन के इशू को लेके आई एम सी इनका, इनके सांसद हो गए, इनके काउंसलर हो गए, सरकार इनके सीलिंग हो गई? भले ये तो गुंडा करती है ना, देखिए हिटलर रोल चल रहा है कि जिसमें मन में आई जिसको धमकाना है उनको धमका कार्य पूरा कर दिया। एक सवाल रहेगा, एक आधे सवाल ही रहेंगे। प्रवेश वर्मा इस सीट से ऑलरेडी जो पिछली बारी जीत चुके हैं, और प्रवेश वर्मा और इस बार भी उनको दोबारा टिकट दिया गया है, क्या लगता है कि दोबारा क्या वो जीत को बनाएंगे, या क्या ऐसा फॉर्मूला बलबीर सिंह जाखड़ लगाएंगे कि प्रवेश वर्मा के आगे जो इस समय जो मुकाबला है कैसा बना? किसने अवल मिश्रा की भी बात करें तो वो भी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, पिछले 2 सांसदों से मुकाबला है आपका इस बार? वेस्ट दिल्ली के लोग बताएंगे, मुकाबला नहीं है मेरा किसी से भी। देखिए कार्य श्रेणी को होना जरूरी, काम होने जरूरी है। हमने जनता से एक ही रिक्वेस्ट की है, कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी का, तीनों का मैनिफेस्टो जरूर पढ़ें। जिन्होंने देखिए, आप हिंदुस्तान से बाहर कहीं जाएंगे वहाँ सरकारें कैसे बनती है? पिछले काम को लेकर आते कि हमने पहले ये काम किया है, नहीं किया तो आगे आने वाले टाइम में ये काम करेंगे। ये तो बीजेपी की मैनिफेस्टो में रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे, सीलिंग वाला इशू रहा है। क्या उन्होंने कोई स्टेप उठाया? छोड़ दो सारी बात, नहीं उठाया। विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बात की जाती? आज इस हिंदुस्तान के यूथ को क्या चाहिए? विकास, लोगों को क्या चाहिए? विकास, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों को जॉब, बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं होता? आज सांसद महोदय, कोई भी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने दिल्ली की जनता सीलिंग्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जॉब को लेकर क्यों गई? कोई क्वेश्चन उठाया? नहीं उठाया। हमने ये कहा, जो भी पार्टी है जिसने दिल्ली में कुछ कार्य किया है उसको वोट दो, किसी को ये कंसर्न नहीं। प्रधानमंत्री कौन है? क्या आज से पहले जो प्रधानमंत्री आए वो सारे चोर थे? सारे जो जितने भी देश थे सब देश को भेजना चाहते थे? क्या मान लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं और सारी दुनिया चोर है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उन्होंने भी देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। हर आदमी चोर नहीं हो सकता।
आखिरी सवाल रहेगा मेरे से आपका कि जिस तरीके अरविंद केजरीवाल आपके कल जो रोड शो था उसमें भी आए हैं और परसों की हम भी लगातार एक दो रोड शो उनके कवर किए हैं, पर परसों जो घटना हुई है कि उनको जो एक युवक की तरफ से जो हिंसक जो उनके ऊपर हमला किया गया, कहा जा रहा है कि ये बीजेपी कह रही है कि वो उन्होंने खुद सहानुभूति के लिए कराया गया इसके लिए, और दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि जो कॉल डिटेल उसमें जो उस युवक की मिली है जिसने उनको जो थप्पड़ मारा उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उनके संपर्क में थे, इन पर आप क्या कहेंगे? वैसे बड़ी शर्म की बात है कि पॉलिटिक्स में इतनी गिरावट आ सकती है। पहले तो हम हिंदा हमले की निंदा करते हैं, पर ये जो तार जो जुड़े हैं इसके ऊपर मैं भी निंदा करना चाहता हूँ। क्या किसी बीजेपी के नेता को कैसे ऐसे थप्पड़ लगा? सहानुभूति क्या होती है इसमें? जो आदमी काम करता है वो बर्दाश्त किसी से नहीं होता। देखिए, आम जनता चाहती है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी काम करें और सरकार में आए, लेकिन ये बीजेपी के लेडीज लोग हैं और ये गुंडागर्दी क्या है? हिटलर रूल किसको कहते हैं और क्या कहते हैं? आप सांसद को देख लीजिए, किसी को सांसद हमारे यहाँ से 100 सांसद है, किसी गांव में गए हों, किसी घर में गए हों, किसी सुख दुख में गए हों, किसी प्रॉब्लम दूर कर, हमारे सांसद महोदय ने एक काम किया है, दो, एक तो विदेशों में घूमे, अपने एरिया में नहीं घूमे कभी, क्योंकि उनको एरिया पसंद ही नहीं है, वो हिंदुस्तान से बाहर की ट्रैवल्स रहती है। दूसरा मुद्दा, उन्होंने कभी भी सिवाय बेंच डलवाए, एक सांसद का काम बेंच डलवाना नहीं है। हो सकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ये कहा हो कि बेंच डलवा के सांसद बनते हैं, तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे सांसद नहीं बनना अगर मुझे बेंच ही बनवा लें तो। मेरा पर्पज है विकास करना, एजुकेशन को लेकर, गरीबों की सुनना क्यों नहीं की जाती? आप एक ही मुद्दा होता है, आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम के वोट दे दें, क्या प्रधानमंत्री कोई और नहीं आ सकता? क्या प्रधानमंत्री जी ये अपने सांसदों को नहीं कह सकते कि दिल्ली की जनता में जाके कार्य करिए? प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि विदेश दौरे करो, अपने एरिया के दौरे ना करें। मैं वादा दिया है लोगों को कि 7 महीने के अंदर, 6-8 महीने विधायकों के चुनाव से पहले काम करके दिखाऊंगा, अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, माननीय मुख्यमंत्री साथ आए तो वोट दीजिए आगे। ठीक है जी, अकाल चलन की तरफ से बेस्ट विशेष देते हैं आपको, और इसी तरीके आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना।